My viewers, subscribers, the one liking, commenting on my videos, showing love toward my videos, and the non-subscribers also. Again, a warm welcome to my channel. Hoping you all are doing well. If you haven't subscribed yet, please go and hit on the red color subscribe button. Today my recipe is all about paneer haka noodles or paneer chow mein at home. Recipe super easy hai, anyone can cook and taste come out super good and amazing. Proper details ke liye recipe ko properly follow kariyega, video ko end tak dekhiyega taki aap jaan saken ki ye kitne kam ingredients ke sath ghar par bahut hi aasani se taiyar ho jate hain haka noodles ya chow mein. पनीर हाका नूडल्स या पनीर चौमिन के लिए जो इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत है, हम जल्दी से सब इंग्रेडिएंट्स पर नज़र डाल लेते हैं. बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स की इसमें ज़रूरत पड़ती है और चौमिन बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग सी जल्दी से रेडी हो जाती है घर पे. आइए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं. मैंने ले लिया है चिंग्स सीक्रेट की चौमिन हाका नूडल्स मसाला. इस मसाले से बिल्कुल हमें हमारी चौमिन मार्केट जैसी बनेगी, रेस्टोरेंट जैसी बनेगी. पनीर पनीर को क्यूब्स में काट लिया है और कैप्सिकम और कैरेट है उनको भी मैंने प्रॉपरली कट कर लिया है. और मेरे पास चौमिन है, चौमिन का एक पैकेट अराउंड 250 ग्राम्स का है मेरे पास. और मेरे पास है फ्रेश टोमेटो केचप. सबसे पहले मैं अपनी चौमिन को पानी में बॉईल कर लूँगी. पानी को मैंने पहले फ्लेम पर रख दिया था, जब वो थोड़ा सा गर्म हो गया तो मैंने उसमें अपनी चौमिन ऐड कर लिए. थोड़ा सा ही गर्म होती है आप अपनी चौमिन ऐड कर दीजिए. चौमिन अराउंड 10 टू 12 मिनट्स के बीच में ही बहुत आराम से बॉईल हो जाती है. आप चेक करके भी देख सकते हैं, हमें चौमिन को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर बॉयल नहीं करना और बहुत ही कच्ची भी नहीं रखनी. जैसे ही ये बॉईल हो जाएगी मैं इसका वाटर फेंक के अपनी चौमिन को एक डिश में रख लूँगी. देखिए मैंने इसको इतना ही बॉईल किया है, बहुत ज़्यादा मैंने बॉईल नहीं करा और ना ही मेरी चौमिन कच्ची है. चौमिन को साइड में रख दें. अब हम सबसे पहले फ्राई पैन में ऑयल ले लेंगे. ऑयल में हम अपना पनीर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे. पनीर को प्रॉपरली गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिए ताकि जब हम इसे चौमिन में ऐड करें तो ये टूटे नहीं. मेरा पनीर गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गया है. अब मैं इसे निकाल के एक अलग प्लेट में पनीर अपना रख लूँगी. एक्सेसिव ऑयल मैंने निकाल दिया है और बस थोड़ी सी ऑयल में मुझे अपनी वेजिटेबल्स सॉटे करनी है. आप और भी अपनी पसंद के इसमें वेजिटेबल्स ले सकते हैं. और ये मेरा पनीर बिल्कुल रेडी हो गया है. मैंने इसे अलग प्लेट में रख लिया है. मैं अपनी वेजिटेबल्स और अच्छे से अपनी सॉटे करूँगी जब तक ये सॉफ्ट एनअप हो जाए. इसमें थोड़ा सा वाटर डाल दीजिए ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट एनअप हो जाए वेजिटेबल्स. आप और भी वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं. अब मैं इसमें अपने हाका नूडल्स मसाला ऐड कर रही हूँ. बस मैं अभी 1 पैकेट ही ऐड करूँगी. इसमें थोड़ा सा वाटर डाल दीजिए ताकि आपका मसाला पक जाए. थोड़ा पक जाएगा मसाला तब अच्छा लगेगा, नहीं तो वो उसका फ्लेवर कच्चा कच्चा लगे. जब मेरी वेजिटेबल्स थोड़ी सी सॉफ्ट अनअप हो जाएंगी, मसाले में वो पक जाएंगी, तो मैं इसमें ऐड करूँगी पनीर ताकि पनीर में भी मसाले का फ्लेवर ऐड हो जाए. हमने इसलिए ही पनीर पहले फ्राई कर लिया था ताकि वो हमारे मसाले में टूटे या चाउमिन में टूटे नहीं. जब मैं इसमें थोड़ा सा पानी सूख जाएगा, हमारी सब्ज़ी ड्राई हो जाएगी, अच्छी तरह भून जाएगी पनीर और वेजिटेबल्स, तो मैं इसमें ऐड करूँगी चाउमिन या नूडल्स. नूडल्स के मैंने सिर्फ 2 पैकेट्स ही बॉईल किए थे क्योंकि मुझे 3 पैकेट्स बहुत ज़्यादा लग रहे थे. 2 पैकेट्स में मैंने दोनों पैकेट मसालों के ऐड कर दिए हैं और हाफ पैकेट मसाले का रोक लिया है ताकि मैं इसमें बीच में ऐड कर सकूँ. अब देखिए मैं अपना जो मैंने थोड़ा सा मसाला बचाया था वो ऐड कर रही हूँ. मैं हमारा जो मसाला होता है उसमें सॉल्ट नहीं होता है, तो आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट इसमें सॉल्ट ऐड कर लीजिए. सॉल्ट ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए
और जब ये इसमें मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो केचप। टोमेटो केचप बिल्कुल ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी आप ऐड करें या ना करें, लेकिन टोमेटो केचप ऐड करने से इसका फ्लेवर और एनहांस हो जाता है और हमारी चाउमीन या हाकर नूडल्स और टेस्टी हो जाते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। इसमें मसाला मिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इसको अच्छी तरह लो फ्लेम पे मसाले को मिक्स करते जाइए और आपकी चाउमीन बिल्कुल रेडी हो जाएगी सर्व करने के लिए। इस तरह मेरी चाउमीन बिल्कुल रेडी है सर्व होने के लिए। दिस इज़ हाउ माई हाकर नूडल्स और पनीर चाउमीन रेडी है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स और लेस टाइम में ये नूडल्स और चाउमीन रेडी हो जाती है और मेरे किड्स की ये फेवरेट नूडल्स हैं। आप भी ट्राई करिए अपने किड्स के लिए, फॉर श्योर उन्हें भी पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दिएगा, रेसिपी ट्राई करें तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब। आप सबके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। इफ़ यू हैव डन सब्सक्राइबिंग, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग। मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी। बाय।